नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमारे संत संपदा चल रही थी, बीच में 2 दिन में क्लास नहीं ले पाई थी। अब कोई मेरे घर में शादी आ गई थी, उसकी वजह से क्या ले नहीं पाती हूँ क्लास। तो विद्यार्थियों, हम संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। संत संप्रदाय संत नवलदास जी, संत नवलदास जी हम क्या पढ़ेंगे, संत नवलदास जी जन्म हर्सोला गांव परपत से डीडवाना। तो ये विद्यार्थी, ये पहले था हर्सोला गांव नागौर में। हर्सोला गांव क्या काम करता था, ऐसे पढ़ते थे हर्सोला गांव परपत से नागौर। अब ये क्या कहा आ गया डीडवाना में। इनका ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी किसका ग्रंथ है विद्यार्थियों, संत नवलदास जी का। संप्रदाय नवलदासी संप्रदाय प्रमुख पीठ है जोधपुर में, प्रमुख मंदिर कहाँ है इनका जोधपुर में। तो विद्यार्थियों, इनकी दो बातें हैं, ये लिख लो, फिर हम आगे चल रहे हैं, मैं और बता रही हूँ आपको, नहीं साथ में लिख लेना, चलो पहले देख लो। राम सनई संप्रदाय, फिर है विद्यार्थियों राम सनई संप्रदाय, जिनके संस्थापक है संत रामचरण दास जी। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संत रामचरण दास जी। तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, शाहपुरा। और पहले ये हम क्या पढ़ते थे, शाहपुरा भीलवाड़ा। अब क्या है, प्रमुख पीठ कहाँ है, सिर्फ शाहपुरा। पूजा प्रार्थना स्थल कहाँ है, राम द्वारा। शाखाएं कितनी है, चार। चार शाखाएं कौन कौन सी है विद्यार्थी, इधर देख लो। शाहपुरा, पहले शाहपुरा भीलवाड़ा आता था, बाद बार वही वो नाम आ रहा है। शाहपुरा रामचरण दास जी की पीठ है, रेण नागौर दयाव जी की पीठ है, सिंहतर बीकानेर हरिराम दास जी की पीठ है, खेड़ापा जोधपुर रामदास जी की पीठ है। ये चार विद्यार्थियों पीठ है, तो इनको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो लिखो, संत नवलदास जी जन्म हर्सोला गांव परमेश्वर डीडवाना। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। संप्रदाय नवलदासी संप्रदाय। प्रमुख पीठ जोधपुर, प्रमुख मंदिर जोधपुर। फिर लिखो राम सनई संप्रदाय। संस्थापक संत रामचरण दास जी। प्रमुख पीठ शाहपुरा। पूजा प्रार्थना स्थल राम द्वारा। शाखाएं चार कौन कौन सी है, शाहपुरा रामचरण दास जी, रेण नागौर दयाल जी, सिंहतर बीकानेर हरिराम दास जी की, खेड़ापा जोधपुर रामदास जी की। इनको लिख लो विद्यार्थियों, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी लिखो। चलो लिखो संत नवलदास जी और फिर इनके आगे लिख लिया होगा संत नवलदास जी। संत नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों, हर्सोला गांव परपत से नागौर। हर्सोला गांव परपत से डीडवाना, ठीक है, पहले नागौर था, सॉरी नागौर नाम आ गया डीडवाना। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी, इनका ग्रंथ है संप्रदाय नवलदासी संप्रदाय। इनकी प्रमुख पीठ जोधपुर, तो प्रमुख मंदिर भी कहाँ है जोधपुर। फिर लिखना राम सनई संप्रदाय, अलग से आपको लिखना हेडिंग लगा के, इनके संस्थापक संत रामचरण दास जी। प्रमुख पीठ शाहपुरा। पूजा प्रार्थना स्थल राम द्वारा। इनकी शाखाएं कितनी, चार। चार शाखाएं कौन कौन सी है, तो शाहपुरा जिनमें रामचरण दास जी की है, रेण नागौर दया जी की, सिंहतल बीकानेर हरिराम दास जी की, खेड़ापा जोधपुर रामदास जी की। आगे चलो, thank you.
रामचरण दास जी। अब क्या देखेंगे हम, संत रामचरण दास जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? सोडा गांव मालपुरा टोंक में। सोडा गांव मालपुरा टोंक में किनका जन्म हुआ? संत रामचरण दास जी का। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? रामा किशन। संत रामचरण दास जी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या है? रामा किशन। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? बख्ताराम विजयवर्गीय। बख्ताराम विजयवर्गीय पिता का नाम है माता दऊ जी, पत्नी गुलाब कंवर, गुरु गुरु कौन थे? कृपाराम जी। ग्रंथ अण ब्रजवाणी, ब्रज भाषा में गीतों का संग्रह है, जिनको कोष्टक में लिख लेना। शाखा रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा, रामसनी संप्रदाय की शाखा शाहपुरा में। तो ये दो चार बातें लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो, लिखो संत रामचरण दास जी, जन्म गांव सोडा गांव मालपुरा टोंक, वास्तविक नाम रामा किशन, पिता बख्ताराम जी विजयवर्गीय, माता दऊ जी, पत्नी गुलाब कंवर, गुरु कृपाराम। ग्रंथ अण ब्रजवाणी, ब्रज भाषा में गीतों का संग्रह। शाखा रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा। चलो विद्यार्थियों लिख लो, जिसने नहीं लिखा है लिख लिया होगा, आगे चलेंगे। चलो प्रतीक
का प्रस्ताव या स्नेह की भावना का दिया था। तो इनको लिखो फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो लिखो संत दयाल जी, जन्म जेतारण ब्यावर, जन्म गावा जेतारण ब्यावर जिला, पिता मान जी दुनिया, माता गीगन, गुरु प्रेमनाथ जी या बालक नाहा जी, सहका राम सुने संप्रदाय रेड सहका, राम शब्द का प्रतीक बताया, राम मतलब राम का प्रतीक, मेह मतलब मोहम्मद का प्रतीक, प्रोत्साहन दिया यानी हिंदू मुस्लिम संधि की भावना का प्रोत्साहन दिया। तो इसको लिख लो फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो चलो आपने लिख लिया होगा संत दयाल जी, जन्म जेतारण ब्यावर, पिता मान जी दुनिया, माता गीगण, गुरु प्रेम जी बालक जी, सहका राम सुने संप्रदाय की सहका, राम समझ का प्रतीक बताए, राम मतलब राम का प्रतीक, मेर मतलब मोहम्मद का प्रतीक, प्रोत्साहन दिया हिंदू मुस्लिम एकता का। संत हरिराम दास जी का जन्म गांव सिंहथल बीकानेर, पिता बागी चंद जी जोशी, माता रामी, पत्नी चंपा, गुरु ये मोस्ट वाले विद्यार्थियों इनमें ज्यादा गुरु को पूछते हैं, गुरु जेमलदास जी, इनके गुरु कौन है जेमलदास जी, साका रामसनी संप्रदाय की सिंहथल साका, ग्रंथ निशानी। तो निशानी से जुड़ी हुई बात विद्यार्थियों, नॉर्थ में सेनानी क्या है, निशानी और सेनानी अलग अलग होते हैं, हमारे मारवाड़ी में इन दोनों को एक ही कर देते हैं, वही निशानी वही सेनानी, नहीं अलग होती है। सेनानी क्या है, मेघराज मुकुंद की रचना है, ये पूरी डिटेल्स जब मैं पढ़ूंगी तब बताऊंगी, इतना सा बता रही हूँ, मेघराज मुकुंद की रचना सेनानी और निशानी है ग्रंथ है हरिराम दास जी का, जिसका नाम है निशानी। तो इसको लिखो फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो लिखो संत हरिराम दास जी, जन्म सिंहथल बीकानेर, पिता बागचंद जी जोशी, माता रामी, पत्नी चंपा, गुरु जेमलदास जी, सहका राम सने संप्रदाय की सिंहथल शाखा, ग्रंथ निशानी। नोट्स लगा कर लिखना, सेनानी क्या है, मेघराज मुकुल की रचना है।
लिख लो, चलो जिसने नहीं लिखा है लिख लिया होगा। संत हरिराम दास जी, संत हरिराम दास जी का जन्म कहाँ हुआ? सिंहथल बीकानेर। पिता कौन है? बागीचंद जी जोशी। माता कौन है? रामनी। पत्नी कौन है? चंपा। गुरु कौन है? जयमल दास जी। शाखा का नाम है राम सुनी संप्रदाय की शाखा सिंहथल शाखा। ग्रंथ कौन सा है? निशानी। तो नोट्स में सेना ने क्या है? मेहराज मुकुल की रचना। आगे देखो विद्यार्थियों, संत रामदास जी इनका जन्म कहाँ हुआ? बिकमपुर गांव जोधपुर। कहाँ हुआ? बिकमपुर गांव जोधपुर में। इनकी माता का नाम है, पिता का नाम है शार्दुल जी मेघवाल, माता का नाम है अन्नी देवी। इनके गुरु कौन है? संत हरिराम दास जी सिंहथल शाखा के थे जो इनके गुरु थे। इनकी शाखा कहाँ है? खेड़ा पास जोधपुर में। ये दो बातें इनकी लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो लिखो लिखो, संत रामदास जी जन्म बिकमपुर गांव जोधपुर, पिता शार्दुल जी मेघवाल, माता अन्नी देवी, गुरु संत हरिराम दास जी सिंहथल शाखा, शाखा इनकी खेड़ा पास जोधपुर। चलो विद्यार्थियों जिसने नहीं लिखा है लिख लो जल्दी, लिख लिया होगा। तो विद्यार्थियों ये था हमारे संत संप्रदाय, जो आज हमारे ये टॉपिक पूरा हो गया। अब हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे विद्यार्थियों, तब तक के लिए इतना ही। आज के लिए इतने विद्यार्थियों, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना विद्यार्थियों, धन्यवाद। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी क्लास में कोई गलती लगी है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरा आज एक टॉपिक हमारे संत संप्रदाय पूरा हो गया। हम अपडेट यानी न्यू जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं। 3 दिन तो हमारे भारत का इतिहास चलता है। सोम मंगल को 3 दिन हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, गुरु शुक्र शनि 3 दिन हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो कला संस्कृति में 2 दिन क्लास नहीं हुई, आज ही ले पाई और आज हमारे संत संप्रदाय पूरा हो गए। अब हम मिलेंगे इन मंडे को कला संस्कृति के साथ, अच्छा और न्यू टॉपिक के साथ। और कल से हम क्या पढ़ेंगे? 3 दिन भारत का इतिहास। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।